हेलो दोस्तों, क्यों आज आया स्वाद? सेकंड ग्रेड और रीट में जो हमने पढ़ा कहाँ काम आया? सीईटी में। और आज हमारी टेस्ट सीरीज के जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी थे वो आज बहुत खुश होंगे क्योंकि उनका पेपर अच्छा गया है। सरल प्रश्न तो सारी जगह से आ रहे हैं, कॉपेन वाला तो सब बोल रहा है हमारे यहाँ से आ रहा है, हमारे यहाँ से आ रहा है, लेकिन इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की जो टफ वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हैं भाई लोगों? यानी कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर पे पहुंच सकते हैं अगर आपने सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज थी वो लगातार पढ़ी हो तो। पहला प्रश्न है, आंसर की देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमिलित है? मध्य प्रदेश, रामगढ़, पश्चिम बंगाल, बैतूल, ओडिशा संबलपुर या झारखंड सरगुजा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ओडिशा संबलपुर, यानी ये वाला सही सुमिलित है। तो इसका आंसर ओडिशा संबलपुर लगाया, उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी और संबंधित जिला सुमिलित नहीं है? तो काकनी जैसलमेर में है, बिल्कुल है, बाणगंगा जयपुर में बिल्कुल है, डाई है वो अजमेर में है, सही है, लेकिन वात्रक नदी बांसवाड़ा में नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी वात्रक बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो देखो, जो नीचे वाले जिले हैं हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से? कोटा, बारा और झालावाड़। यानी बारा और झालावाड़ तो नीचे, और उससे जस्ट ऊपर कौन सा? कोटा। यानी ये तीन जिले, इनके 637 गांव है ना, तो ये आंसर जिसने भी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये 1967 में लगा था। कब लगा था? 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था? तो कौन से जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था? तो हमारा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। तो जिसने भी धौलपुर लगाया उसका आंसर सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के कौन से नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो ये अपने बाल मुकुंद बिस्सा साहब है। किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा। जिसने भी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो देखो, योजना आयोग की जगह कौन सा संस्थान आ गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी जो नीति आयोग है वो योजना आयोग की जगह आ गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में योगदान बाल गंगाधर तिलक साहब का भी था और एनी बेसेंट मैडम का भी था, दोनों का योगदान था। लेकिन चूंकि जो बाल गंगाधर तिलक साहब है ये थोड़े बड़े नेता थे, इसलिए इनका मतलब इस प्रश्न में ज्यादा वेटेज इनको मिलेगा। तो हम इसका ऑप्शन उत्तर क्या मानेंगे? बाल गंगाधर तिलक मानेंगे। बाकी तो जो बोस मानेगा, बोस माने जो बोर्ड है वो मानेगा, वही अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी राजस्व मंडल की स्थापना? 1949 में राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। तो जिसने भी 1949 मार्क किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। और कई लोग 1955 बता रहे हैं तो वो आंसर तो गलत है भाई साहब, 1949 राइट आंसर है। राजस्थान ने किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो कौन से वृक्ष से कत्था निकलता है? तो जो खेर का वृक्ष है उससे कत्था निकलता है। कौन से वृक्ष है? खेर के वृक्ष है, तो खेर का वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने भी खेर लगाया उसका आंसर सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? तो हमें पता है केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो जिसका ये तो सबका सही होगा क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका और एक बार फिर आ चुका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो ये जो बतुल बेगम मैडम है इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो कौन कौन से जिले हैं? तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर जिले। जिसने भी अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर जिला लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पहले अजमेर जिला था, बाद में अब इसके अजमेर की जगह कौन सा जिला कर दिया? अलवर कर दिया है। तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर जिले इसमें शामिल होते हैं। तो जिसने भी अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर लगाया उसका आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे? तो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे? ये जोधपुर जिले में। किस जिले में? जोधपुर जिले में रातानाडा हवाई अड्डा है।
तानना और मोरबंदिया विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो हमें पता है जो हमारी गराशा जनजाति है, कौन सी जनजाति जो हमारी गराशा जनजाति है उनमें तानना और मोरबंदिया विवाह वो प्रचलित है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला परिषद स्तर पर? तो इसका आंसर जिसने भी ग्राम पंचायत लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या लगाया है? ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी लगाया है, उसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो जो धोलावीरा है इसे शामिल किया किसमें? विश्व विरासत सूची में किसने? यूनेस्को ने। और कब किया है? जुलाई 2022 में शामिल किया है। मलाज खंड कौन से खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो जो मलाज खंड है वो तांबा के उत्पादन से संबंधित है। किससे? तांबा के उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, हमें पता है वहाँ बारिश काफ़ी होती है, तो ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो जिसने भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लगाया इसका आंसर, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। GST पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें दो ही विकल्प को ध्यान से देखना था। तो इसमें 16 कोड है या फिर 15 कोड है? तो देखो GST में 15 कोड होते हैं, तो इसका मतलब जो 16 वाला जिसने भी लगाया उसका आंसर गलत हो जाए, मतलब उसका सही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत कथन पूछा था। तो यह एक 16 अंक का कोड है, जिसने भी ये वाला आंसर मार्क किया ना उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सलार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो अपनी चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी वहां पे सलार परियोजना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब। और राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जो हाड़ोती वाला क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र, वहां पे सोयाबीन काफी मात्रा में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, कौन कौन सी फसलें हैं? तो वह चावल, गेहूं और दालें हैं। कौन कौन सी है? चावल है, गेहूं है और दालें हैं। तो जिसने भी चावल, गेहूं और दालें मार्क किए उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से संबंधित कौन सा है? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने में अहम योगदान दिया था। तो इसका आंसर जिसने भी 1905 का बंगाल विभाजन वाला विकल्प लगाया है उसका आंसर सही हो गया। लोक कला मंदिर कहाँ पे है? तो लोक कला मंदिर है भैया उदयपुर में। कहाँ पे है लोक कला मंदिर? लोक कला मंदिर उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में कौन निर्वाचित नहीं हुए हैं? तो घनश्याम तिवारी साहब हुए हैं, प्रमोद जैन भाया हुए हैं, मुकुल वासनिक साहब हुए हैं, लेकिन सुभाष चंद्रा नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर जिसने भी सुभाष चंद्रा लगाया है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2020 की योजना है। राजनीर योजना कब की योजना है? तो राजनीर योजना है वो 2020 की योजना, 2020 की योजना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीख चीख के बताया कितनी बार, जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर अलवर है, फिर नागौर है। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अपना टोक्यो शहर। कौन सा शहर? टोक्यो शहर करेगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख स्वामी मान सिंह द्वारा किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को, इसका राइट आंसर हो गया। और राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये अपने उदयपुर शहर में स्थापित की गई है। कहाँ पे? उदयपुर शहर में स्थापित की गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन एक नेता थे? तो भरतपुर आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो ये अपने किशनलाल जोशी साहब थे। कौन थे? किशनलाल जोशी साहब। और शायद कल या प्रश्नों के वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया है। कनफटे, जोगी, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो अपने जीण माता जी के गीत गाए जाते हैं। इसमें कनफटे जोगी को आप मार्क कर लो, है ना। बाकी डमरू और सारंगी तो कई गीतों में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कनफटे जोगी वो जीण माता जी से संबंधित। तो आप और जिसने भी जीण माता जी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। तो बोले जीण माता की जय हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? नौटंकी। तो इसमें जो जिसने भी तुर्रा कलंगी मारवाड़ लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्रा कलंगी मारवाड़। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। कहां पे पहने जाते हैं? ओगनिया, अंगोटिया और सुरलिया आभूषण। तो हमने बताया था सुरलिया का
कल का वीडियो ही अगर आप परसों का वीडियो आप देखे गए हैं तो आपको पता लग जाएगा मैंने कहा था कि सुर वैसे तो गले में लिया जाता है लेकिन पहना कहाँ जाता है, कान में। तो इसका आंसर जिसने भी कान मार्क किया है तो उसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये तो सबका सही होगा ही, लेकिन हमारे विद्यार्थियों का तो ये सही होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी भैया बेंगलुरु से लेके कोयम्बटूर के मध्य। कहाँ से कहाँ के मध्य? बेंगलुरु से कोयम्बटूर के मध्य चलेगी। तो जिसने भी बेंगलुरु कोयम्बटूर लगाया उसका आंसर सही हो गया। बाड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या है? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो इसका निर्माण मिहिरकुल ने करवाया, क्योंकि प्रतिहारों ने करवाया था। भोज प्रतिहार का तो हमने नाम ही नहीं सुना, तो या तो मिहिरकुल ने करवाया या फिर तोरमान ने करवाया। तो हम ये मानते हैं कि इसका आंसर 70% मिहिरकुल होगा और 30% तोरमान होगा, है ना। तो यस मिहिरकुल ही मान के चलो। क्या होगा? बाकी जो बॉस मानेगा वही अंतिम होगा। और इस बारे में कोई भी डेवलपमेंट्स होगी हमें पता चलेगा कि बाड़ोली का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, क्योंकि अब तो इसकी सारी वो हिस्ट्री निकल जाएगी, सारी किताबों में प्रश्न छप जाएगा अब तो आने वाले समय में। तो इसका आंसर मिहिरकुल माना है, बाकी दूसरा कोई मानते हैं तो वह अलग बात है। इला न देनी आपनी हलरे हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, ये पंक्तियां कौन से ग्रंथ से ली गई है? तो ये अपने सूर्यमल मिश्रण साहब की पंक्तियां हैं और ये वीर सत्सई से ली गई। किससे? वीर सत्सई, जिसने भी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगस्त 2022 में 75 रामसर स्थल है। ओहो हो देखो बोर्ड कितना स्मार्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि 75 रामसर स्थल है और एक प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने रामसर स्थल है, है ना। तो प्रश्न में ही मतलब कहाँ छुपा है प्रश्न, उत्तर कहाँ छुपा है? तो पेपर में ही उत्तर छुपा है, पेपर में ही प्रश्न छुपा है ना। तो प्रश्न से आपको उत्तर मिलान करना है, बस कुछ नहीं करना ज़्यादा। तो कितने रामसर स्थल है? तो 75 रामसर स्थल है, ये प्रश्न आगे आएगा देख लेना। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये अपने तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन अब तमिलनाडु ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पुरस्कार दिए, ठीक है, अचंता शरत कमल साहब को। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो अचंता शरत कमल साहब कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये अपने टेबल टेनिस के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है? ये टेबल में चढ़ के टेनिस खेलते हैं, मतलब टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव गरीबी सूचकांक वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है, यानी मानव गरीबी सूचकांक में क्या क्या शामिल होगा? तो दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर जिसने भी लगाया है, यानी लॉन्गेविटी, नॉलेज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसने भी मार्क किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो जैसे मान लीजिए अलग इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर तो जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से बनास बेसिन होना चाहिए। कारण क्या है? तो सबसे ज़्यादा जल उपलब्धता राजस्थान में कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा तो चंबल नदी में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सी होगी? तो ये बनास नदी होगी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा चंबल नदी में, दूसरे नंबर पर बनास नदी। लूणी नदी इसलिए नहीं होगी कि लूणी नदी तो अब मतलब एक तो मौसमी नदी है, बहुत कम समय के लिए बहती है, तो इसमें जल उपलब्धता होने की इतनी संभावना है नहीं। लेकिन बाद में जो बोर्ड मानेगा वही अंतिम होगा, या फिर जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं वो मानेंगे, वो अंतिम होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? तो गौरीबाई, अल्लाह जिलाबाई और बन्नो बेगम तो है, लेकिन जो गुलाबो भाई है ये तो क्या गुलाबो सपेरा है या क्या करते हैं? ये तो डांसर है। क्या है? गुलाबो जी डांसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन बताना था, तो राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है, ये कथन असत्य है क्योंकि राजस्थान में राज्य मंत्री भी है। तो जाहिदा खान मैडम है ना, वो क्या मंत्री है? टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ना, तो वो राज्य मंत्री ही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो बहुत बार बताया मैंने आपको, जो सेकंड ग्रेड वाले टेस्ट सीरीज थे उसमें तो बताया ही है, वो उन विद्यार्थियों को तो ये पता ही है कि ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। और 2000 उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों में योगदान पूछा था, तो 26.34 है, चीख चीख के मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे तो आप खुद ही पढ़ रहे हो, मैं आपको क्या स्पेशल क्या बता रहा हूँ, मैं डेटा ही तो बता रहा हूँ आपको, एक जगह से उठा के आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमने इस बारे में पढ़ा है, यानी हमने और आपने मिलके पढ़ा है ये कह सकते हैं, हमने बताया है, कोई उसमें बहादुरी लेने वाली बात नहीं है। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो जो भावभट्ट थे ना, उन्होंने इस ग्रंथ का नाम भावभट्ट के नाम पर रखा था। तो जिसने भी ऑप्शन डी भावभट्ट लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन में मध्य वो कितनी हिस्सेदारी कितनी है? तो देखो जो HPCL की है 74%, राजस्थान सरकार की 26%। जिसने भी 74-26 लगाया उसका आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न सुमेलित करना था, तो मीरालाल जी व्यास जैसलमेर से संबंधित बिल्कुल है, किशनलाल जोशी भरतपुर से है,
हरिनारायण शर्मा अलवर से है लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से नहीं है, तो जिसने भी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, हमें मिलान करना था गोगाजी का संबंध कौन से गांव से है, तो ये ददरेवा गांव से, ददरेवा चूरू से। पापू जी का कहाँ से है, कोलुमंड से है। और ये अपने हड़ फता जी का कहाँ से है, तो फताजी का कहाँ से है, बुंदेल से। फताजी का सांतु गांव से, फताजी का कहाँ से, सांतु गांव से। और हड़बू जी का बुंदेल गांव से। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक के साथ दो, बी के साथ दो के साथ तीन, तीन के साथ चार और चार के साथ एक। इस प्रकार जिसने भी दो तीन चार एक लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बेली कृष्ण रुक्मणी री है ना, इसके रचयिता कौन से सासा के दरबारी कवि थे, तो ये कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़ पीतल साहब थे ना, तो उन्होंने लिखी थी बेली कृष्ण रुक्मणी री। और कहाँ पे लिखी थी, गागरौन के दुर्ग में लिखी थी। और ये किसके दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे। और इन्होंने ही जो पाथर और पीथल जो कविता है वो कन्हैयालाल सेठिया साहब ने लिखी है। और ये मतलब महाराणा प्रताप को जो अपने जो पृथ्वीराज राठौड़ साहब है उन्होंने जो कविता लिखी थी है ना, तो उसके बारे में उन्होंने कन्हैयालाल सेठिया साहब ने बहुत ही शानदार लिखा है। तो बेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की। और वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, दो कथन दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है या फिर किससे रिलेट करता है। तो दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश जनपद को प्रोवाइड करना चाहते थे, ये भी सही है। और क्यों की थी, क्योंकि वो ब्रिटिश जनपद को जनमत है ना, ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करना चाहते थे, ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सत्य है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला विकल्प जिसने भी लगाया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को किस प्रकार की जलवायु में रखा गया है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को एडब्ल्यू कैटेगरी में रखा गया। किसमें, एडब्ल्यू कैटेगरी उसमें रखा गया है। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो रॉक फास्फेट है वो बारोडिया सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। और वेदांत अंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो वेदांत अंगल पक्षी अभयारण्य वो तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और कौन सा पशु मेला सुमेलित नहीं है, तो शिवरात्रि पशु मेला है ना, वो सवाई माधोपुर में ना लग के कोटा में लगता है। तो जिसका भी जिसने भी शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर वाला आंसर मार्क किया उसका आंसर सही हो जाएगा। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के पीएम वाणी योजना के शुभारंभ राजस्थान के कौन से जिले में किया गया, तो ये प्रतापगढ़ जिले में किया गया। जिसने भी प्रतापगढ़ लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ऑयल रिफाइनरी कहाँ बन रही है, तो पचपदराबाड़ में भी बन रही है। तो जिसने भी ए आंसर मार्क किया उसका सही हो जाएगा। और कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो रामजे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है, ये इन्होंने नहीं कहा है, ये रजनी कोठारी ने कहा है कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। हमें गलत कथन बताना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके इसी पेपर में कि 75 आर्द्र भूमियाँ अगस्त 2022 के अनुसार। और इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो 243 जेड सी और जिला योजना समिति का गठन, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 243 जेड सी वाला विकल्प है इसका सही आंसर है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना था, ये प्रश्न मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो मतलब मौद्रिक नीति के घटक कौन से है, ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, एक बैंक दर हो गया। सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व ये किसके क्षेत्रक है, सार्वजनिक ऋण तो देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंतर्गत आते हैं, और सार्वजनिक राजस्व किसके अंतर्गत आते हैं, ये भारत सरकार के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर ये आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, और आरबीआई के अंतर्गत कौन सी कैटेगरी के तहत आते हैं, तो मौद्रिक नीति के तहत आते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, मेवाड़ राज, तो इसका आंसर जिसने भी तीन और चार मार्क किया है ना उसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्या मतलब खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल को क्या कहते थे, तो महासत्या कहते थे। क्या कहते थे, महासत्य नहीं, ये महासत्या होता है इसका आंसर। और आपको बताता चलूं कि हमने थर्ड ग्रेड या रीट मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से भी आ रहा है, उम्मीद है आपको ये पसंद भी आ रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करने की कृपा करें, ताकि उन वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगले प्रश्न पे चलते हैं, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो ये कह रहा है कि 1585 में महाराणा प्रताप साहब ने ना चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और कौन सा कथन असत्य है, तो पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, ये वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है, ये वाला सही होगा, क्योंकि
तो जिसमें असत्य कथन बताना था, ये असत्य हो गया हमारा। कौन सा? पैसा अधिनियम 9 राज्यों में लागू है, ये वाला कथन आंसर हो जाएगा। ग्रिल इग्नाइट ताप शक्ति परियोजना कौन से गांव में है? तो ये थुमली गांव बाड़मेर में। कहां पे है? थुमली गांव बाड़मेर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो कालीबंगा की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी टेसिटोरी ने की थी, तो ये वाला कथन गलत है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं कही थी कालीबंगा सभ्यता की खोज। और हाल ही में जारी वैश्विक बुक सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक वैश्विक बुक सूचकांक में 107वें नंबर की है। बुक्स वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 107वें नंबर की रैंक है। और 25 अप्रैल 1934 को कटराचल में विशाल महिला सम्मेलन को हजारों महिलाओं ने भाग लिया था, उसका नेतृत्व किशोरी देवी जी मैडम ने किया था। किसने किया था? तो किशोरी देवी जी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की कौन सी हस्तकला से है? तो गोपाल सैनी का संबंध है वो किससे है? वो ब्लू पॉटरी से है। गोपाल सैनी का संबंध ब्लू पॉटरी से, जिसने भी ऑप्शन डी मार्क किया उसका राइट हो जाएगा। और 2023 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन वो भारत में प्रस्तावित है। कहाँ पे? भारत में। और माल और GST के अंदर कथनों को देखना था, तो ये गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो देखो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये सरकारी कंपनी है, क्या गवर्नमेंट उपक्रम है, और एक गैर लाभ कंपनी है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए दूसरा, क्योंकि गैर लाभ कंपनी है। इसमें कहीं भी कंपनी का मतलब ये नहीं लिख रखा कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये सरकारी कंपनी है। तो दूसरा कथन तो सही है और पहला कथन गलत है, तो इस प्रकार केवल 2 सही है। सही उत्तर का कोट करना था, तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर ये 3C नहीं, इसका आंसर डी मान के चलो आप। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी? तो हमें पता है सरदार सिंह ने, बीकानेर के शासक थे उस समय 1857 की क्रांति के समय, और उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो इसमें देखो, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता तो गुजरात और कर्नाटक तो नहीं होगा, ये राजस्थान और तमिलनाडु में होने की संभावना है, लेकिन इसकी ज़्यादा संभावना यह है कि तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक संभावना विद्यमान है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन की, ठीक है, और राजस्थान शायद दूसरे नंबर पे आएगा। जैसलमेर का गुंडाराज किताब किसने लिखी है? सागरमल गोपा साहब ने लिखी है, ठीक है। राजस्थान के नरसिंह तो भक्त कवि दुर्लभ साहब है, वो राजस्थान के नरसिंह के तौर पर प्रसिद्ध है। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान किस जगह से माना गया है? तो कालीखोह पर्वतमाला है ना, इसे माना गया है। किसे? कालीखोह पर्वतमाला। तो इसने भी कालीखोह पर्वतमाला लगाया है, उसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? कालीखोह पर्वतमाला। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पे एंटीसोल मृदा पाई जाती है। किस भाग में? पश्चिमी भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होते? तो राज्यपाल साहब शामिल नहीं होते, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री तो शामिल होते हैं, लेकिन राज्यपाल साहब नहीं होते, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिशनपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो 1996 में पूरा हुआ था। किस वर्ष में? 1996 में बीसलपुर बांध का निर्माण पूरा हुआ था। कौन से वर्ष में होता? 1996 में हुआ था। और निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? तो जो बयाना है ना, बयाना भरतपुर, वहां पे वरीक वंश ने शासन किया था। और किस देश में भारत के सर्वाधिक निर्यात किए हैं? तो भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? तो यूएसए से हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा आयात कर रहे हैं चाइना से, सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं यूएसए से, तो इस प्रकार हमें अच्छे संबंध किससे बनाने चाहिए ज़्यादा? तो यूएसए से बनाने चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यूएसए को सर्वे भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी भरोसे लायक देश है नहीं। राजस्थान के उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है? तो मिड डे मील योजना से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आपका जन्मदिन है तो आप बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ खिला दो, मिड डे मील योजना, जी मिड डे मील में भोजन तो दिया जाता है बच्चों को सरकारी स्कूल में, तो आप आपके बर्थडे में कुछ स्पेशल खिला दो उनको। हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये चंद्रशेखर साहब ने लिखा था। आकलवुड जैसे फौजिल पार्क है वो कौन से जिले में? तो जैसलमेर जिले में है। और नाबार्ड जो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे, तो जो सैयद सगीर अहमद साहब है, कौन? सैयद सगीर अहमद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इन्हें युद्धों को शेट करना था, तो इसमें 2, 1, 3, 4 जिसने भी लगाया है, सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, फिर गागरौन का युद्ध, फिर
बयाना का युद्ध, फिर मालवीय का युद्ध हो जाएगा। तो ये 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आबानोरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और संबंध सेवाओं में शामिल नहीं है? तो खाद्य प्रसंस्करण नहीं है। देखो कृषि अर्थ और संबंध सेवाओं के बारे में आपको डिटेल में बताया है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। मत्स्य शामिल होता है, ठीक है, पशुपालन शामिल होता है, फिर खाद्यान्न शामिल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें खाद्य प्रसंस्करण शामिल नहीं होता क्योंकि ये तो एमएसएमई कैटेगरी में शामिल है। और एमएसएमई किस में आती है? एमएसएमई आती है उद्योग क्षेत्र में। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आएगा, ना कि कृषि में। संत हरिदास जी कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? तो हरिदास जी महाराज है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। और कौन से धर्म बौद्ध से संबंधित पुरातात्विक, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल अवशेष मिले हैं? तो हमें कहाँ से मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बेराट यानी विराटनगर से मिले हैं। और आज ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, कितने सारे एग्जाम्स में आ गया राजस्थान में। मतलब ये प्रश्न किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि किसी व्यक्ति के जो एकदम मतलब सब जरा भी नहीं पढ़ता वो भी थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रहे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उनके लिए आते हैं ऐसे प्रश्न। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी है। ये मक्का उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से? चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी। और कॉफी उत्पादन का घटता क्रम बताना था, सबसे ज्यादा कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो जिसने भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान जो सागवान है ना वो सर्दी और पाला सहन कर पाता है, यह बात गलत है। मतलब ए सही है और आर गलत है, जिसने भी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही है और आर गलत है। मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधारों का जो उद्देश्य माना है ना वो केवल 3 को माना है हमने। कौन सा उद्देश्य था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करना ताकि फूट डालो राजगुरु नीति अपना सके। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोन सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के कौन से जिले से किया गया? तो ये जोधपुर जिले से किया गया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, तो मणिक साहा है ना वो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने? मणिक साहा साहब। पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में राजस्थान से संबंधित कौन है? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब, ये सिरोही जिले से संबंधित है और इन्होंने जो पृथ्वीराज मूवी है वो बनाई थी थोड़े दिनों पहले अक्षय कुमार के साथ में। लेकिन उस मूवी में पता नहीं अक्षय कुमार की दाढ़ी डूढ़ी क्या बना दिया, क्या ही बना दिया था, है ना। हमारे पृथ्वीराज चौहान, मतलब नाम ही एकदम ऐसा बंदा जोश से बढ़ जाता है, तो उसकी थोड़ी पर्सनालिटी तो बढ़िया बनानी थी कम से कम। क्या मूवी बना दी? मूवी अच्छी थी लेकिन उसका गेटअप वगैरह वो अच्छा नहीं था। राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर और जोधपुर में किया जाएगा, लेकिन जयपुर में कर दी मतलब पहले किया जाएगा, तो जयपुर आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर होगा? खादी प्लाजा वाले प्रश्न में जयपुर आंसर होगा। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद ही नहीं है। नहीं, पेज फॉल्ट तब होगा जब वो पेज है ना, पर्टिकुलर पेज, वो मेमोरी में है ही नहीं, तभी वो फॉल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसमें जिसने भी क्या 2 और 3 लगाया वो सही है। क्या? पेज डाउन दबाने पर आपको स्क्रीन के नीचे आ जाएगा और कंट्रोल होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पे पहुंचा देगा। ये दोनों सही है, यानी 2 और 3 इसके कथन सही है। द्वितीय जनन कंप्यूटरों के दौरान विकसित किया गया था कब? द्वितीय जनन कंप्यूटर कब विकसित किया गया? तो 1959 से 1965 के बीच में द्वितीय जनन कंप्यूटर को विकसित किया गया था। और कौन सा कथन असत्य है? तो डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति, ये कथन असत्य है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति, ये वाला जिसने भी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो Ctrl+1 कमांड उपयोग करेंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अगला प्रश्न है, आईटी सूचना को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसेट माना जाता है? बिल्कुल सही है। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहते हैं? बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, ना कि ऑप्शन ए, यानी ये दोनों ही कथन सत्य है। क्या है? दोनों ही कथन है ना, वो क्या है? सत्य है। सत्य कौन से? तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो एक तो सोडियम जिंकेट बनता है, एक हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिसने भी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपिस फ्लोरिया किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खी से संबंधित है। एपिस फ्लोरिया किससे संबंधित है? मधुमक्खी से संबंधित है। ये 200 मीटर लंबे तार वाले का आंसर क्या होगा? ये होगा 1.6 × 10⁸ जो ये ओम एम है, ये वाला आंसर होगा 1.6 × 10 वाला होगा, यानी 1.6 जिसमें भी है वो इसका राइट आंसर है। और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है इनमें से? कौन सा भौतिक परिवर्तन का? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक ही परिवर्तन। तो चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वापिस उस पानी से चीनी को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा पशुओं का वायरल रोग है? तो नीली जिह्वा रोग है ना, वो
पशुओं का वायरल रोग है, कौन सा? नीली जिह्वा रोग। और दूध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम में कौन सा जिम्मेदार होता है? तो रेनिन है ना, वो दूध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम में जिम्मेदार होता है। फिर हाइड्रोजन बम संलयन पर कार्य करता है, परमाणु बम विखंडन पर कार्य करता है, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति पर कार्य करती है, और परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान पर कार्य करती है। तो इसका आंसर 2, 1, 4 और 3 जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? 2, 1, 4 और 3 आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चुनाव करना था, तो इसका जो भी 1 और 2 लगाए जिसने भी कि 5 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं और वसा के जल अपघटन में ग्लिसरॉल और कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है, ये वाला कथन सत्य है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषी रूप की सक्रिय विकिरण पीआर का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो जिसने भी 2 से 10% की रेंज बताई है उसका आंसर सही हो जाएगा। अब हमारे पास में आगे रीजनिंग, और रीजनिंग में देखेंगे सीईजी को टीएसआर लिखते हैं, एफएचजी को क्यूपीओ लिखते हैं, और आईकेएम को क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे एनएलएम, एलएमएन। तो इसमें देखो एक तरीके सीधे से सिंपल से पकड़ आ जाएगा, सीईजी था ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है इसको आरएसटी लिखा है ठीक है, क्यूपीओ था क्यूपीओ, एक एक छोड़ के था, तो क्या लिखा था उसको एम के, मतलब नहीं एफ एच जे को ओ पी क्यू लिखा है, तो इसमें जो लगातार होगा वही होगा ना, तो एल एम एन सिर्फ यही मात्रा है जो लगातार है, बाकी कोई से भी नहीं तो सीधे पकड़ में आ जाएगा, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला पद बताना था श्रेणी का, तो 2, 12, 36, 80, 150, तो इसका आंसर होगा 252। इसमें आप जो स्क्वायर करके वैसे भी निकाल सकते हो, या फिर इसमें अंतर का अंतर करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि हमें कथन पढ़ने हैं और उसके आधार से बताना है कि कौन सा कथन मजबूत है। तो कथन एक है, क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए? कथन ये है, तो तर्क कह रहा है कि हाँ ये बहुत ऊंचा, इसलिए आयकर को टाल देना चाहिए, और नहीं ये कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा, इसे टालना नहीं चाहिए। तो इसमें तर्क दो है वो सही है, क्योंकि अगर आयकर को टाल देंगे तो क्या होगा, जो डेवलपमेंट स्कीम्स है वो नहीं चल पाएगी, और जो मतलब शोषित कमजोर वर्ग है उनका उत्थान नहीं हो पाएगा, तो ये तो टालना तो गलत है। तो इस प्रकार हमारा कथन दो है वो मतलब ये कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा, इसलिए इसे टालना नहीं चाहिए, सही है। तो ये तर्क केवल दो, केवल तर्क दो मजबूत है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सोहन 2 बकरियों के समान मूल्य पे बेचकर 1 पर 10% का लाभ कमाता, दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऐसी परिस्थितियों में जितने भी प्रतिशत की हानि हो रही है उसको स्क्वायर कर दो और 100 का भाग दे दो, वो आंसर हो जाएगा, उतनी हानि होती है। तो 10 × 10 कितना होता है? 100 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा? 1% की हानि होगी उसे, तो उसे 1% की हानि होगी, ये राइट आंसर होगा। और एक पासे की आकृतियां दिखाई गई थी और इसमें पूछा था कि 5 के विपरीत कौन सा है, तो 5 के विपरीत कौन सा है? जो 2 होगा वो 5 के विपरीत होगा। फिर हमें कूट आइडेंटिफाई करना, 4, 7, 9 का मतलब है फ्रूट इज स्वीट, 2, 4, 8 का अर्थ है वेरी स्वीट वॉइस। तो इसमें हमें पूछा था इजगा कोट, तो देखो इसमें 4, 7, 9 है ना, तो फ्रूट और स्वीट तो आगे आ गए हैं इसका मतलब, और 4 और 7 भी आगे कहीं ना कहीं कॉमन है, लेकिन जो 9 है वो कहीं नहीं आया, इसका मतलब वो किसके लिए है? वो इज के लिए है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अक्ष की आय वाई की आय से 10% ज्यादा है और जेड की आय वाई की आय से 20% कम है, तो अक्स वाई जेड का अनुपातिक आय क्या होगी? तो ये 22, 20, 25 होगी। इसे किस प्रकार निकाल सकते हैं एक बार देख लेते हैं, आप ये मत करना टाइम लगा दिया। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि जो अक्स की आय है वाई की आय से 10% अधिक है ठीक है, और वाई की आय जेड की आय से 20% कम है, तो हम मान लेते हैं जेड की आय है 100, तो वाई की आय कितनी होगी? 80, और अक्स की आय क्या होगी? वाई की आय से 10% ज़्यादा, 80 की 10% ज़्यादा कितनी होगी? 88। काटेंगे तो कितने से कटेगा? 4 से, तो ये तो 22, ये हो गया 20 और ये हो गया 25, तो 22, 20, 25 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। उमंग ने उमा से कहा कि तुम मेरे माता के पौत्र की पत्नी हो, उमंग का उमा से क्या संबंध है? तो वो उसका ससुर लगेगा, क्या लगेगा? ससुर लगेगा, जिसने भी ससुर वाला ऑप्शन मार्क किया वो सही हो जाएगा। ए पूर्व की ओर चलता है और 10 मीटर उसके दाएं ओर जाता है, फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है, और अपने प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पे है? तो कितनी दूरी पे होगा? वो 5 मीटर दूरी पे होगा। कितनी दूरी पे होगा? 5 मीटर जिसने लगाया उसका आंसर सही हो गया। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो मूलधन के बराबर कितने वर्ष में हो जाएगा? तो 20% वह
पांच सालों में, तो पांच गुना होने में यानी 100% होने में कितना टाइम लगेगा, 25 साल लगेंगे। तो जिसने 25 साल लगाया उसका आंसर सही हो गया। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यदि विकिन की माप 25 मीटर हो तो मैदान का परिमाप कितना होगा, तो यह 75 मीटर होगा। क्या होगा, 70 मीटर होगा। अगला प्रश्न है, 320 और 350 के मध्य की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये 300 कितना होगा, 335 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा, 335 इसका राइट आंसर होगा। त्रिभुजों को गिनना था, कितने त्रिभुज है, तो 15 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। जिसने 15 मार्क किया उसका आंसर सही हो जाएगा। फिर इसमें जो प्लस का मतलब गुणा है, भाग का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब बाकी और बाकी का मतलब भाग है, तो हमें यह समीकरण सोल्व करना था, तो इसका आंसर 121 आएगा। क्या आएगा, 121। फिर ए बी सी डी एफ एक पंक्ति में बैठे हैं और ये बताना कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखो इस प्रकार को सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा कि बी के दाईं ओर बैठा हुआ है डी। कौन बैठा हुआ है, डी। अब कुछ हिंदी के प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो वह घर अभी नहीं बना है, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ, ये सी आंसर हो जाएगा। समास विग्रह से कौन सा असंगत है, जो लाजवाब है ना वो जवाब के साथ, ये वाला जो है वो असंगत है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, इसमें सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसमें, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, इसमें सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है, कौन सा विकल्प है, दो से अधिक उपसर्ग है जिसमें, तो इसमें दुरावसाध्य और समुदाहरण, इसमें दो से अधिक उपसर्ग बने हुए हैं। अल्पविराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, तो इसमें जो किसी तथ्य को स्पष्ट करने के संकेत करने के लिए अल्पविराम का उपयोग किया जाता है, ये वाला इसका असंगत हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर मार्क किया उसका आंसर राइट हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है, तो हमें पता है धनंजय, पार्थ और कौन्तेय किसके लिए है, ये अर्जुन के लिए है। और किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है, तो कर्कश का उल्टा क्या होता है, मधुर होता है, तो इसका आंसर कर्कश मधुर हो जाएगा। और संधि का हमें संगत विकल्प चयन करना था, लेकिन इसमें तो क्या दे दिया, असंगत विकल्प पूछ लिया, तो पूछा था संगत विकल्प बताओ, लेकिन बता क्या रहे हैं, असंगत विकल्प, तो इसमें अधः पतन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, अधः पतन, ये असंगत विकल्प है। इसमें थोड़ा बहुत मतलब कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है इस प्रश्न के, क्योंकि इसे डिलीट भी किया जा सकता है। और मूल स्वर पता करने थे कौन से हैं, तो ए ई उ री है, दीर्घ स्वर आ ई उ और ए है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक के साथ गै, दो के साथ खे, तीन के साथ घे और चार के साथ कै, जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा, गै खे घै कै, गै खे घै कै, ठीक है। अशुद्ध वाक्य चयन करना था, तो थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, ये अशुद्ध कथन है कौन सा, थोड़े समय के बाद छात्र वापस लौट आए, एक अशुद्ध कथन है। अब इंग्लिश की ओर चलते हैं, तो वाक्य में बताना था कि वेरी डिजायरेबल का मीनिंग क्या होगा, तो अडोरेबल है ना वो इसका आंसर होगा, क्या होगा, अडोरेबल। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू द चॉकलेट, तो चॉकलेट से रिलेटेड कौन सा है, तो अर्थ लोइफ ये है वो चॉकलेट से पैराग्राफ के अनुसार रिलेटेड है। अगला प्रश्न, द वर्ड विच द मीनिंग ऑपोजिट टू द सेम फुली, इसका सेमफुली का ऑपोजिट क्या होगा, तो अनएबेसडली इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, अनएबेसडली। फिर ये देखना था हमें इस विकल्प में क्या आएगा, द ट्रेन मेट, इसके साथ क्या आएगा, मेट विद एन एक्सीडेंट होता है। और फिर सच एन आइडिया वुड नेवर, नेवर के साथ आएगा, नेवर टू मी, सच एन आइडिया वुड नेवर ऑक्यू टू मी, ऑक्यू टू आएगा इसमें, बी के साथ चार आएगा, ही हैज बीन इन द ऑफिस फॉर ए ईयर होता है। हमें पता है कि जो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती, आइडिया होता है उसके लिए फॉर, और एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए क्या होगा, सिंस उपयोग होगा, तो इसमें क्या होगा, फोर आएगा, तो ही हैज बीन इन द ऑफिस फॉर ए ईयर होगा, इसमें फोर होगा। और वाइज पीपल डू नॉट बिलीव, क्या होगा इसका आंसर, इसके साथ क्या होगा, इन बिलीव इन सुपरस्टिशन, यानी जो वाइज बुद्धिमान लोग हैं वो सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं करते। तो जिसने भी तीन चार एक और दो लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, द मीटिंग वॉज बिकॉज ऑफ बैड वेदर, तो क्या आएगा स्पेस में, यह आएगा कोल्ड ऑफ, क्या आएगा, द मीटिंग वॉज कोल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, तो इसमें आप मीटिंग की जगह क्या करो, याद करो मेज कोल्ड ऑफ होते हैं ना, मैच के लिए देखते हैं तो मैच कोल्ड ऑफ हो गया, सुनते हैं ना, तो इसमें उसी तरह से मीटिंग भी कोल्ड ऑफ होती है। व्हाट इज पेसिडोनियम इन द लेटर राइटिंग, तो पेसिडोनियम क्या होता है, छद्म नाम। जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं लिखते, वो अपने छद्म नाम से चीजों राइटिंग करते हैं,
जैसे हमारे कई महाराजा हुए हैं जो छद्म नाम से राइटिंग करते थे। और अगला प्रश्न है, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले जूते और मोजे उतार देता हूँ, तो आई टेक आउट माई शूजेज एंड सॉक्स बिफोर आई इंटर माई रूम, इसका राइट आंसर होगा। और फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो मतलब फ्रेंड्स ही हैज आर सिंसियर, तो मतलब कुछ फ्रेंड होंगे तो द फ्यू फ्रेंड्स, यानी कुछ फ्रेंड जो भी डेडिकेटेड मतलब स्पेसिफाइड फ्रेंड्स होंगे ना, तो द फ्यू फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्या हो इसमें होगा, असिन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन ए गोल्ड मेडल, इसका आंसर होगा क्या होगा, असिन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन ए गोल्ड मेडल आंसर होगा। और द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, तो इसका आंसर होगा अटैक ऑल आउट, क्या आंसर होगा, अटैक ऑल आउट। इस प्रकार हमने आज की आंसर की को कंप्लीट कर लिया है, और हमने आंसर की को अधिकतम क्या कहते हैं त्रुटिहीन रखने का प्रयास किए, ठीक है, और बाकी गलतियां तो स्वाभाविक है, तो थोड़ी जल्दबाजी भी की होगी ना, तो एक दो गलतियां हो सकती है, बाकी जो अपना बोर्ड है आरएमएसएसबी बोर्ड वो मानेगा वही फाइनल आंसर की होगी। और लगातार पढ़ते रहो, और हमारे जो रीड मेंस की टेस्ट सीरीज है उससे आप भी जुड़ो, और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में आने के लिए बोलो। थैंक यू फ्रेंड्स।